हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल के बारे में, घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल देखो, दो वस्तुएं हैं। ये देखो, कोई दो वस्तुएं हैं, ये दोनों क्या आएंगी? संपर्क में आएंगी। संपर्क में आएंगी तो ये क्या गति करेंगी? तो इनकी तो गति का जो विरोध करने वाला जो बल है ना, वो क्या कहलाता है? यहाँ पर घर्षण बल कहलाता है। ये क्या होता है? घर्षण बल होता है। और जो घर्षण बल है ना, वो इसकी जो संपर्क सतह है ना, स्पर्श रेखा दिशा में कार्य करता है। ये स्पर्श रेखा हुई, इस दिशा में कार्य करता है। और घर्षण बल का कारण क्या है? इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला क्या है? विद्युत आकर्षण बल। विद्युत आकर्षण बल है ना, वो इसका क्या है? कारण है। घर्षण बल का मुख्य कारण क्या है? विद्युत आकर्षण बल। और जो सतहों की सतह है ना, ये जो सतह है, इसकी अनियमितता आणविक बलों के कारण, अनियमितता एंड आणविक बलों के कारण, आणविक बल है ना, उसके कारण ही इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अब देखो, अब अगला टॉपिक घर्षण बल के जो प्रकार है वो आते हैं। अब देखो क्या होता घर्षण बल के प्रकार, उनमें क्या आता है? पहला हमारा पहला टॉपिक आता है उसमें स्थितिक घर्षण। अब स्थितिक घर्षण, अब देखो स्थितिक घर्षण में क्या होता है? किसी वस्तु की विरामावस्था में उस पर लगने स्थिति घर्षण होता है। कि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये जो विराम अवस्था में है, कौन सी में है? V0 विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में यानी कि उस पर लग रहे बाह्य बल है ना, जिस पर कोई बाह्य बल लग रहा है, तो इसके अणुओं को क्या प्रतिसंतुलित, इसके जो अणु होंगे यानी कि गति करेगा, बाह्य बल लगेगा तो इसको प्रतिसंतुलित करने वाला क्या बल है? वो क्या कहलाता है? प्रतिसंतुलित करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण, स्थितिक घर्षण बल कहलाता है। अब देखो दूसरा आता है सीमांत घर्षण, जिसको सीमांत भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? चरम घर्षण। क्या बोलते हैं? या चरम घर्षण। अब जो सीमांत या चरम घर्षण क्या होता है? स्थिति घर्षण बल का वह मान जब कोई पिंड किसी सतह के ठीक निकलने की स्थिति। अब देखो ये कोई वस्तु है, इस पर जो बल लग रहा है, अब मान लो ये वस्तु है कोई, ये कोई वस्तु यहाँ पर ऐसे ढलान में है, इस पर जो बाह्य बल लग रहा है। अब देखो ये ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये वस्तु नीचे की ओर गति करने लग जाए, मतलब ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाए ना, तो फिसलने की जो स्थिति की जो होगी ना, वो यानी विवन, वो क्या होगा? यहाँ पर सीमांत घर्षण होगा। क्या, कौन सी स्थिति में आ जाएगी? सीमांत घर्षण की स्थिति में, सीमांत घर्षण यानी अंतिम स्थिति आ जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी? सीमांत घर्षण। अब देखो घर्षण के कुछ नियम है, घर्षण बल के कुछ नियम है, वो नियम देखते हैं। घर्षण बल, घर्षण के नियम, अब घर्षण के नियम, घर्षण के नियम देखते हैं। अब सीमांत घर्षण की वस्तु की गति करने की प्रकृति की दिशा की विपरीत दिशा होती है। सीमांत घर्षण, अब देखो ये दिशा है, ये कुछ सीमांत, ये कोई वस्तु है, ये कौन सी में? सीमांत घर्षण की अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? सीमांत घर्षण की अवस्था में है, बाह्य बल लग रहे हैं, तो सीमांत घर्षण इस बार बल लग रहा है तो इस तरफ गति करेगी सीमांत घर्षण की अवस्था में, तो यहाँ पर जो बल लगेगा ना, वो इसकी क्या लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। सीमांत घर्षण है ना, वस्तु की गति की दिशा की कौन सी दिशा में होगा? विपरीत दिशा में होगा। और जो देखो ये को यह वस्तु है, इस पर घर्षण बल क्या लगेगा? ये इसे यहाँ पर है, वस्तु की संपर्क सतह है ना, दो वस्तुओं की, या
धरातल की या एक वस्तु की उसकी के संपर्क सतहों के मध्य लगेगा। सीमांत घर्षण व्यवस्था दो सतहों के मध्य लगता है। सीमांत घर्षण बल एफ है ना, उसका मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल आगे क्या होता है, समानुपाती होता है। सीमांत घर्षण एफ का मान अभिक्रिया पर सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और देखो चौथा टॉपिक आता है सीमांत घर्षण बल यानी कि क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। किस पर? क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता जब तक कि सीमांत घर्षण बल क्या है, समान है। सीमांत घर्षण क्या है, समान। क्या है? समान है। जब तक कि सीमांत घर्षण बल का मान क्या है, समान है, तब तक यानी कि क्षेत्रफल पर निर्भर, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। और जो पांचवा आता है देखो घर्षण बल का नियम है यानी कि सीमांत घर्षण बल का मान संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि संपर्क सतहों की क्या है, प्रकृति। संपर्क सतहों की यानी कि संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता ये, यानी कि किस प्रकृति के, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये हो गया घर्षण बल के नियम। अब देखो अगला आता है हमारा, यानी कि अगला आता है गतिक घर्षण। अब देखो अगला आता है गतिक घर्षण। अब देखो गतिक घर्षण क्या होता है, यानी कि कोई वस्तु है ये गति कर रही है, कोई वस्तु है ये क्या कर रही है, गतिमान है। क्या है? V1 V1 से गतिमान है। तो इनके सतह के मध्य जो बल लग रहा है ना वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गतिक घर्षण। गतिक घर्षण जो घर्षण हो रहा है वो गतिक घर्षण है। और गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण से क्या होता है, यानी कि सीमांत घर्षण से गतिक घर्षण क्या होता है, गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से क्या होता है, हमेशा कम होता है। यानी सीमांत घर्षण बल का मान ज्यादा होता है गतिक घर्षण बल से, यानी कि और इसको किसे एफ एस मैक्सिमम से डिनोट करते हैं। और किसी पिंड पर यानी इस पिंड पर लगने वाले गतिक घर्षण बल का मान लगभग क्या होता है, हमेशा लगभग समान होता है। समान तो नहीं होता लेकिन लगभग बोल सकते हैं, यानी कि एप्रोक्सीमेट क्या होता है, समान ही रहता है। और जो इसका मान है वो पिंड की चाल पर निर्भर नहीं करता, पिंड की चाल पर निर्भर नहीं करता है, पिंड की चाल पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन गतिक घर्षण बल का मान पिंड की चाल पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो अगला आता है गतिक घर्षण के कुछ प्रकार हैं। जो घर्षण गतिक घर्षण है उसके कुछ प्रकार हैं, उस प्रकार को देखते हैं, उन प्रकारों को देखते हैं हम आगे। गतिक घर्षण के कुछ प्रकार हैं, उन प्रकारों को देखते हैं। यानी टॉपिक है हमारा गतिक घर्षण के प्रकार। गतिक घर्षण के कुछ प्रकार हैं। उन प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहला आता है सर्पीय घर्षण। सबसे पहला आता है सर्पीय घर्षण। सर्पीय घर्षण, सर्पीय घर्षण यानी कोई वस्तु है किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है, फिसलती है। सर्पी, सर्पी मतलब फिसलना, मतलब राउंडिंग फिसलना, फिसलती है। तो वो क्या होता है वहां पर, उसको क्या कहते हैं, फिसलती है। तो उसको क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है ना, ये कोई वस्तु है वो दूसरी वस्तु
ये दूसरी वस्तु है, इसके ऊपर जो फिसलते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? सर्पीय घर्षण। जब वस्तु एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो उसको क्या कहते हैं? सर्पीय घर्षण। अब देखो, गोलीय या लोटनी घर्षण, दूसरा आता है गोलीय या लोटनी घर्षण, गोलीय या लोटनिक, लोटनिक मतलब राउंडिंग, गोलीय या लोटनिक घर्षण। सर्पी में क्या होता है? फिसलती है, इसमें क्या है? लुढ़कती है। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उसको क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण कहते हैं। अब देखो, ये नोट में लिख लो, नोट में है, गोलीय घर्षण बल का मान सर्पीय घर्षण बल से क्या होता है? बहुत कम होता है। यानी कि गोलीय घर्षण बल है ना, बल बहुत कम कम होता है किसे? सर्पी, किसे? सर्पीय घर्षण बल से। सर्पीय घर्षण से गोलीय घर्षण का मान क्या होता है? कम होता है, बहुत कम होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। अब देखो, आता है हमारा टॉपिक, आता है स्थितिक घर्षण गुणांक। अब देखो, अब आता है स्थितिक घर्षण गुणांक। अगला टॉपिक आता है हमारे स्थितिक घर्षण गुणांक। अब देखो, स्थितिक घर्षण बल का मान बन क्या होता है? यानी कि हमने पढ़ा था, देखो, एफ एफ एस मैक्सिमम इस प्रपोजनल टू आर, पढ़ा था? एफ एस मिक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर। अब देखो, यहाँ म्यू एस क्या है? स्थितिक घर्षण गुणांक। स्थितिक घर्षण गुणांक। अब देखो, इसे म्यू एस का माना जाएगा, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर, इतना आ गया। अब देखो, ये गुणांक है, ये दोनों बल है, ये भी बल है, ये भी बल है, तो इसका मान क्या होगा? ये क्या होगी? एक मात्रक हीन राशि, मात्रक हीन राशि है। स्थितिक घर्षण गुणांक क्या है? एक मात्रक हीन राशि है। अब देखो, अगला आता हमारा गतिक घर्षण गुणांक। गतिक घर्षण गुणांक, अच्छा, गतिक घर्षण गुणांक क्या होता है? चूंकि क्या होता है, एफ के इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो एफ के बराबर म्यू के इंटू आर, म्यू के क्या क्या आया? पर गतिक घर्षण गुणांक। म्यू क्या क्या है? गतिक घर्षण गुणांक। अब देखो, म्यू के, म्यू के बराबर क्या हो जाएगा? एफ एफ के अपॉन आर, दोनों क्या है? बल है, तो ये भी क्या हो जाएगी? एक मात्रक हीन राशि, क्या हो जाएगी? मात्रक हीन राशि हो जाएगी। अब देखो एक बात, नोट में देख लो, गतिक घर्षण गुणांक यानी कि म्यू के का मान है ना, वो हमेशा क्या होता है? कम होता है, किससे? म्यू एस से। गतिक घर्षण गुणांक का मान है ना हमेशा स्थितिक घर्षण गुणांक से क्या होता है? कम होता है। अब देखो, घर्षण गुणांक की निर्भरता, घर्षण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है?
दक्षिण गुणांक की निर्भरता, यानी किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो एक नंबर देखो, और जो संपर्क सतहों की, जो पदार्थों की जो संपर्क सतह है ना, संपर्क सत्ताओं के पदार्थों के प्रकृति पर, पदार्थों की प्रकृति पर, संपर्क सतहों के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और परिष्कृत सतह दो नंबर आता है, परिष्कृत सतह पर, परिष्कृत सतह पर, परिष्कृत सतह पर निर्भर करता है। और जो एक सतहों के ताप पर, जो संपर्क सतह होते हैं ना, उनके ताप पर भी निर्भर करता है, यानी कि सतहों के ताप पर। ये इन तीन जो घर्षण गुणांक है वो इन तीन बातों पर निर्भर करता है। अब देखो, समझने की कोशिश करो, एक आराम से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करो, एकदम से आपको समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारी समझ में नहीं आ सकती। अब देखो, अगला टॉपिक आता है हमारा घर्षण कोण। घर्षण कोण, घर्षण कोण क्या होता है? यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल सीमांत घर्षण बल के परिणामी बल पी है ना, और एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के मध्य जो कोण बनता है ना, यानी कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल के जो परिणामी बल है वो एवं जो सीमांत अभिक्रिया अभिक्रिया प्रतिक्रिया बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। दोबारा सुना, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण का जो परिणामी एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है ना, उनके मध्य जो बनने वाला कोण है ना वो क्या कहलाता है? घर्षण कोण क्या कहलाता है? लेमडा। तो लेमडा से डिनोट करते हैं। अब जो टेन, ये देखो डायग्राम है कोई एक, ये कोई पिंड है, यहाँ पर पिंड रखा हुआ है और इसको जीरो मार लेते हैं यहाँ पर। अगर इधर से कोई ये कोण कितना है, ये कोण कितना है? लेमडा। ये लेमडा कौन से झुकी हुई है, तो इधर जाने वाली क्या हो जाएगी? ये परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर, तो नीचे की ओर पिंड का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एम जी। तो और ये जो है यहाँ पर है, ये कौन भी कितना देगा? लेमडा। और इसमें बल कितना लगेगा? एफ इस दिशा में, और जो एफ एस मैक्सिमम है वो किसके बराबर हो जाएगा? एस के, जो म्यू एस के, किसके बराबर हो जाएगा? म्यू एस के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पर मूल बिंदु मान लेते हैं इसको। अब देखो, टेन लेमडा, टेन थीटा बराबर है लंब बटा का काचे, लंब बटा आधार, लंब का इसमें एफ एस मैक्सिमम। अपॉन आर, टेन लेमडा बराबर एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर। तो देखो, टेन लेमडा बराबर म्यू एस अपॉन म्यू एस आर अपॉन आर। टेन लेमडा इज इक्वल टू म्यू म्यू एस आ गया, या म्यू एस बराबर टेन लेमडा। ये क्या क्या? घर्षण कोण, टेन लेमडा म्यू एस, टेन लेमडा, लेमडा क्या है? घर्षण कोण। इसे लेमडा का मान निकाल लेंगे तो घर्षण कोण का मान आ जाएगा। अब देखो, म्यू एस का मान हमेशा क्या होता है? एक से कम।
कोण कितना होगा? कोण यानी कि लेमडा, यानी कि घर्षण कोण का मान, घर्षण कोण लेमडा का मान हमेशा क्या होगा 45 डिग्री से कम ही होगा। आगे इतना समझे। अब देखो अगला आता है विराम कोण। अब देखो विराम कोण, अब कहो विराम कोण क्या होता है। अगला टॉपिक आता है हमारा विराम कोण। अगला टॉपिक आता है विराम कोण। विराम कोण विराम कोण जब कोई पिंड यानी किसी नत्तल पर, पहले तो नत्तल बना लेते हैं, पहले तो एक नत्तल बना लेते हैं। ये क्या ही नत्तल है, इस पे क्या है, ये पिंड है, ये ठीक फिसलने की स्थिति में हो ना, ठीक फिसलने की स्थिति में हो ये पिंड, ठीक फिसलने की स्थिति में हो तो यानी कि इसके यानी नत्तल के द्वारा नत्तल के और क्षेत्रीय के साथ जो कोण बनाया जाता है वो क्या हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, विराम कोण हो जाता है। यानी कि ये इधर क्या बल ऐप कार्य कर रहा है इस पर, यहाँ से देखो अभिगम प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा, आर और तुल द्रव्यमान के तरह नीचे एम जी, जिसका यानी कि लंबवत घटक है एम जी कॉस थीटा, कॉस जी कॉस अल्फा और क्षेत्रीय घटक एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा हो जाएगा। और दूसरे जो कोण हो जाएगा ना नत्तल के साथ वो कितना हो जाएगा, अल्फा कोण। अब देखो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम जी साइन अल्फा, एफ बराबर क्या है एम जी, एफ बराबर एम जी साइन अल्फा आ गया। एंड आर बराबर क्या हो जाएगा, एम्बुलम पट्टी के लेवल का एम जी कोस अल्फा, एम जी कोस अल्फा, यानी अब दोनों में भाग दे देते हैं, ये आ गया। तो यानी कि एफ कोण आर का मान कितना जाएगा, साइन अल्फा अपन कोण कोस अल्फा बराबर क्या जाएगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा आ गया। अब जो टेन अल्फा का मान कितना आता है, इसके बराबर आता है म्यू एस के, यानी कि यानी म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा टेन अल्फा, ये आ गया विराम कोण का मान आ गया। अब देखो घर्षण कोण एवं विराम कोण में संबंध क्या है, घर्षण कोण यानी कि घर्षण कोण यानी कि लेमडा एवं अल्फा में संबंध, यानी लेमडा और अल्फा में संबंध क्या है, यानी कि म्यू, अब देखो लेमडा म्यू एस बराबर टेन लेमडा, म्यू एस बराबर टेन अल्फा, तो यानी कि टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एस और म्यू एस है दोनों में म्यू एस का मान है, तो टेन लेमडा बराबर क्या हो जाएगा टेन अल्फा, तो यानी क्या हो जाएगा लेमडा बराबर अल्फा। यानी कि घर्षण कोण एवं विराम कोण दोनों का मान क्या होता है, एक ही होता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों यानी कि समान चीज है और दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। स्पष्ट, चाहे विराम कोण बोल दो चाहे घर्षण कोण बोल दो, दोनों बात एक ही है। अब देखो अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक आता है रुक्ष या खुरदरेतलवार वस्तु की गति, रुक्ष या खुरदरे तल पर वस्तु की गति।
रुक्ष या खुरदर तल पर वस्तु की गति। अब देखो रुक्ष या खुरदर तल पर वस्तु की गति, यदि वस्तु क्या हो ऊपर की ओर गतिमान हो, यानी वस्तु की ऊपर की ओर गति हो, खुरदर तल पर यानी कि कोई चढ़ाई कर रहा है चढ़ाई में गति हो, यानी कि देखो ये कोई है नत्तल है, इस पर ये कोई वस्तु रखी हुई है, इस पर क्या है इधर क्या लगा कर रहा है बल एफ कार्य कर रहा है, तो ये द्रव्यमान एम जी हो गया इस पर है ना, तो विलंब प्रतिक्रिया बल क्या हो गया ऊपर की ओर हो गया आर, तो इसका यानी कि लंबवत घटक क्या हो जाएगा एम जी कोस थीटा, यानी कि थीटा कोण पर झुका हुआ है, ये कौन से कोण पर थीटा कोण पर झुका हुआ है, यानी कि ये कोण कितना है थीटा, तो यानी कि एम जी कोस थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा हो जाएगा, हो गया इतना, तो यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा ऊपर की ओर गति हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कोस थीटा, म्यू के जी कोस थीटा तो यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा जी दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यानी कि ए बराबर हो जाएगा ये इतना आ गया। अब देखो नीचे की ओर गतिमान हो एक नंबर आ गया है, दो नंबर में नीचे की ओर गति हो, हमारा लास्ट टॉपिक है ये अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, नीचे की ओर गति हो नीचे की ओर तो यानी कि क्या है त्वरण, नीचे की ओर गतिमान हो तो इसमें त्वरण क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा म्यू के माइनस ये हो जाएगा नीचे की ओर गतिमान होते इसमें ये त्वरण हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा घर्षण कोण घर्षण बल का मतलब टॉपिक है, घर्षण का जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हम अगले फिर से मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर में अगली क्लास में, इसलिए इस टॉपिक को क्लियर कर लेना एकदम से, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।